के बरियाही बाजार क्षेत्र की महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पूर्व में दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण परिवार चलाने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इन महिलाओं ने समूह बनाकर अपने अपने पैसे जोड़कर मसालों का कारोबार शुरू किया। समूह से जुड़ी पिंकी देवी ने बताया कि शैलपुत्री नाम से मसाले की बिक्री करके आज उनकी आमदनी लाखों में है। अपना बिजनेस खोल लिए मसाला के, ओकरा 5-7 आदमी में लेबर रख के ओकरा बढ़िया से पैकिंग पीसै छियै, पैकिंग करै छियै, ओकरा मार्केट में बेचै छियै। मंथली 1 लाख के रुपया ऊपर जाय छै। समूह से जुड़ी एक अन्य महिला परवीन खातून ने बताया कि 30 महिलाएं मिलकर इस व्यवसाय को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। 4-5 महिला मिलकर मसाला के कारोबार के लिए वैसे और जे छै दीदी सब देख के जुड़ल आ तकर बाद जे छै से पैसा कौड़ी बहुत बढ़े लगले और चाहे छै जे महिला सब जो में और जुड़ी। व्यवसाय से जुड़ी पूनम देवी ने बताया कि अच्छी आमदनी होने से वे लोग अपने परिवार का भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कर पा रही हैं। मसाला के कारोबार चले छे, सब घर परिवार अच्छा से चले छे, बाल बच्चा पढ़े लिखे छे। आब हम मसाला के कारोबार चालू कर लिए ना, मसाला बेसन आर बनाबे छिए, हमरा कोई दिक्कत नहीं छे, और आगू बढ़ सके छिए, ऐसे और बढ़िया काम चालू हुआ जैसे बढ़िया। और हमरा पिंकी दीदी आर के संग जुड़ल छिए, सब आदमी मिलकर अपन मसाला कारोबार कर से आगू बढ़ सके छिए। मसालों के साथ साथ ये लोग बेसन का उत्पादन भी करती हैं। बाजार में इनके उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यवसायी संजय कुमार तांती ने बताया कि शुद्ध और उत्तम क्वालिटी के इन मसालों की मांग बाजार में काफी ज्यादा है। शैलपुत्री मसाला जो है ये महिला द्वारा बनाई जाती है, इसको हम लोग खरीद के ले जाते हैं, बाजार में बेचते भी है। इसका क्वालिटी इतना अच्छा है और मसाला तुरंत बिक भी जाता है, इसमें आमदनी भी अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रगतिशील महिलाएं अपने जोश जुनून, लगन और मेहनत से मुख्य धारा में शामिल होकर नए और विकसित भारत के सपने को साकार कर रही हैं। सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।